नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल चॉप्स वाले भैया में। काफ़ी सेंसिटिव मामला है फ्रेंड्स, आज वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें और चीज़ों को समझें कैसे ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं इस समय में जब आपकी ज्वाइनिंग काफ़ी नज़दीक है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले, ठीक है। और साथ में एस्टेट का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, दोनों चीज़ें को कम्बाइन करके या फिर इस समय जब काफ़ी आप लोग जुलाई में, जैसा कि कुछ भाई लोग आपके गए थे, आपके साथ पार्टी लोग गए थे कलीग्स, और वहाँ पता किया तो उन लोगों ने बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट का काम चल रहा है, तो जिस कारण से आप लोग का हो सकता है, इट्स मे बी पॉसिबल दैट ज्वाइनिंग विल बी कम इन द नेक्स्ट मंथ, जुलाई से आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो सकती है, उस पर प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसे समय में जो ये कल वीडियो निकल के आया, थोड़ा सा झलक देख लीजिए। जिन पर नौकरी माफिया की नजर है, ये खबर नौकरी ढूंढ रहे हर किसी के लिए जरूरी है। ये खबर बात करते हैं फिर, आप लोगों ने देखा होगा ये ऐसे वायरल किया जा रहा है दो दिन से, तो इसमें बताया जा रहा है कि बेल्ट्रॉन चोर है। कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के। अब बताइए कि जो आपके पैनल में 7,500 या समथिंग जो भी लड़के हैं, इसमें से कितने लोगों ने पैसा दिया है? जैसा कि वीडियो में बताया जा रहा है कि सीटें बिकी हुई हैं, आप हमारे डेरा पे आइए मिलिए, तो मुझे बताएं। अच्छा, आप लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि मैं लाइव नहीं हूं, तो आप लोग ऐसा करेंगे कि डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को, मैं समझ जाऊंगा कि इतने लोगों ने पैसा दिया है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा डिसलाइक आएंगे, थोड़े बहुत तो आते हैं नॉर्मल, वो उसको मैं छोड़ दूंगा, और बाकी जो डिसलाइक आएगा मैं समझ जाऊंगा आप लोगों ने पैसा दिया है और आप लोग समझते हैं कि बेल्ट्रॉन चोर है, पहली बात। और बाकी जो लोग हैं जो ईमानदारी से पहुंचे हैं, तो उनको लगता होगा ना, वो तो फीलिंग से जुड़ी हुई है उनकी, उन लोगों ने मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो लोग भी बताएं कमेंट करके कि हाँ, क्या आप लोगों को भी लगता है कि आप लोगों के साथ बेल्ट्रॉन ने यहाँ तक जो लिस्ट बनाया है इसमें कहीं कोई धोखा किया है तो ज़रूर कमेंट करें फ्रेंड्स। मैं भी जानना चाहता हूँ, इच्छुक हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से और इन्फॉर्मेटिव अच्छी आप लोगों को वीडियोज़ में जानकारी लेते आऊँगा, ठीक है। अब ये हो गई बात। दूसरी बात, आपको लगता है जैसा कि सुनने में आता है अक्सर, अरे बिहार में बड़ा धांधली होता है यार, यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है सही से, सब यही बोलते हैं। और उसके बाद आपको जब अपने आप पड़ोसी राज्य हो या फिर किसी भी राज्य में अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हो, दोस्त रहते हो, कभी बात करके देखना आप फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या ऐसा नहीं होता है? ऐसा हर जगह होता है, हर देश में होता है। ये चीज़ें सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा फैलाई जाती है। कौन सी वैकेंसी आती है फ्रेंड्स जिसमें ये सुनने को नहीं मिलता है कि हाँ यार, हम तुम्हारा करवा देंगे, और इतना पैसा दो ना, इतना लग रहा है तुम्हारा हो जाएगा, टेंशन मत लो। कुछ लोग फंस जाते हैं जाल में, उसके बाद पीछे लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, पैसा वापस दिलवा दो यार, मेरा फंस गया यार, मैं तो बर्बाद हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको एक पर्टिकुलर एकदम बेल्ट्रॉन से जोड़ के देख रहे हैं कि बेल्ट्रॉन चोर है, तो यहाँ पे जो पैनल में लड़के बैठे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसमें से कितने लोगों ने पैसा दे के यहाँ तक आए हैं और कितने लोग नहीं आए हैं, ठीक है। और बहुत मित्र हैं, बहुत दोस्त हैं मेरे जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं बेल्ट्रॉन में एज अ प्रोग्रामर, एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो एक पैसा भी होता है ना फ्रेंड्स, वो भी नहीं दिया उन लोगों ने। इवन बेल्ट्रॉन जब ज्वाइनिंग के लिए बुलाती है तो मैसेज करती है, ज्वाइनिंग से पहले एक मैसेज आया था, अब भविष्य में पता नहीं क्या करेंगे, तो उसमें आया था कि आप किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़ें, आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ऑन गोइंग है, जल्दी ही आपको मैसेज के माध्यम से बुलाया जाएगा, ईमेल भी आता है, मैसेज भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई बेल्ट्रॉन वाले के, अब आपके फीलिंग्स के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। अब साथ में जो दूसरे जो भी ग्रुप हैं वहाँ पे भी ये चीज़ रूमर कि इसको फैला दो, बेल्ट्रॉन का रिजल्ट कैंसिल करवाओ, एक गलत तरीके से इस चीज़ को पेश करना इस समय में, जबकि ये वीडियो जो है फ्रेंड्स दिसंबर 2019 के आसपास का है, ये उस पर आप लोग देखेंगे वीडियो तो आपको लग जाएगा। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो आईटी वाले होते हैं ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया में कुछ माफिया होते हैं, ठीक है, वो लोग सारे डेटा एनालाइज करके रखे रहते हैं, किस डेटा को किस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव हमें कैसे पेश करना है, और उनको उसका बहुत बड़ा पैसा मिलता है, बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग। इसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का भी डेथ हुआ, ठीक है, और जो एकदम से डेटा निकल के आया सलमान खान के खिलाफ या फिर आपको करण जौहर के खिलाफ, तो ये सब चीज़ एकदम से कैसे आ गई तुरंत आपके पास? इतना ख़राब रिपोर्ट था उनके उनके लिए, तो आप पहले क्यों नहीं पब्लिश किए? तो
तो ये एकदम से वायरल कराने का ये तरीका है, चीज़ों को मीडिया में गलत तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ बात बिल्कुल सही है। तो देखिए अभी क्या है, आपकी ज्वाइनिंग एकदम पास आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि विभागों में काम जो भी है पेंडिंग है, और जहाँ पे थर्ड पार्टी कंपनी एजेंसीज़ के द्वारा काम लिया जा रहा है, जिस पे मैंने एक वीडियो पहले बना दिया था, वो आप लोग के लिए बहुत मस्ट वीडियो है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बता दें फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग से लेकर हर एक विभाग में थर्ड पार्टी कंपनियों ने ऐसा सींग लगाया हुआ है कि जो भी काम होता है ना वो निकल जा रहा है विभागों का काम, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, चपरासी का हो, क्लर्क का हो, प्यून का हो, तो सब तरीके से 7,000-8,000 में उनको मिल जा रहे हैं, वो भी थर्ड पार्टी वाले डेली बेसिस पे भी मिल जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसी ऐसी थर्ड पार्टी कंपनी है कि वो रोज़ काम करेंगे, रोज़ का पैसा मिल जाता है उन्हें। स्थिति इतनी ख़राब है सोच लीजिए, क्योंकि बिहार का जो भी वैकेंसी निकलता है उस पर केस, कोर्ट केस, क्या क्या हो जाता है, जिस कारण से प्रोसेस लंबा हो जाता है। लेकिन काम तो फ्रेंड्स रुका नहीं रह सकता है ना, वो तो कैसे भी कराना है। तो सरकार को हो सकता है कि मजबूरन थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से, यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी बहाल करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ कि कुछ बैकडोर एजेंसियां जो कि काफ़ी करीब है, रिलेटेड सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क में है, तो वो लोग ले लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पे भी मैं काफ़ी एक अच्छा फाइल बना रहा हूँ, जल्दी ही आप लोगों के बीच उस पर एक वीडियो लेके आऊँगा, और वो वीडियो हो सकता है कि मेरे लिए ख़तरनाक हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा उसको सही से आप लोग के सामने पेश करूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए कोई भी वैकेंसी हो, बैंक, SSC, रेलवे, कुछ भी हो, आप लोग कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको सुनने को मिल जाएगा कि हाँ धांधली होती है, हम करवा देंगे तुम्हारा इसमें उसमें। तो इसको इससे मत जोड़े कि बिल्डोन बिका हुआ है, बिका रहता है तो आप लोग यहाँ पर लिस्ट में इतने आगे नहीं आ जाते फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग का जिनका ईमानदारी से हुआ है यहाँ तक आए हैं, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और बने रहिए अपने चैनल जॉब्स वाले भैया पे। वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, धीरे धीरे मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। बने रहें अपने चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होती रहे। देखते रहें शिवम ठाकुर को, तब तक के लिए धन्यवाद।